मेरी तैयारी हो गई है गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए। छोटा सा पंडाल बनाया है मैंने गणेश जी के लिए। बप्पा आएंगे, इसमें विराजेंगे। और पूजा के सारे सामान कल ही ले आई थी मैं गणेश जी के लिए। मोदक, लड्डू, उनका प्रिय फल, फूल, रोली इत्यादि जो भी थे सारी सामग्रियां मंगा ली थी, क्योंकि निखिल को ऑफिस जाना होता है सुबह सुबह, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं, पूजा के बाद आपको मिलती हूँ मैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा सब पे कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। और मेरी पूजा आज हो गई है, हमारे छोटे से क्यूट से गणपति बप्पा हमारे घर आ गए हैं। मेरा जो आज का आउटफिट है वो कुछ इस तरह से है। मैंने ये सूट पहना हुआ है एंड ये बहुत ही अच्छा कलर है, फेस्टिव लगता है एकदम। और जल्दी जल्दी में थी तो जो मिला वो पहन लिया मैं। जिस हिसाब से जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या पहना जाएगा। फिलहाल तो भोग की तैयारी करनी है, काफी लेट हो चुका है। वहां मेरे बप्पा बैठे हुए हैं और पहले प्रसाद में उन्हें मोदक चढ़ाए मैंने, और दोपहर के भोग में मैंने पूरी भिंडी की सब्जी बनाई थी आलू के साथ, एक दाल थी और रायता, ये मैंने भोग के रूप में बप्पा को चढ़ाया। और पोर्ट ब्लेयर में तो काफी जोरों शोरों से गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही हैं। हमारे सोसाइटी के पीछे एक ऑलरेडी पंडाल मैंने देखा है और भी बहुत सारे मैंने बप्पा की मूर्तियां देखी, बहुत प्यारे प्यारी मूर्तियां थी और वो बहुत ही विशाल मूर्तियां भी हैं जो ले जा रहे थे। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मैं जाऊं और दर्शन करूं उनके वहां पे भी। आप बताइए आपकी गणेश चतुर्थी किस तरह से मनाई जा रही है? किसी प्रकार से भी मनाए, बस बप्पा की आराधना करना ही महत्वपूर्ण होता है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कैसे जा रही है आपकी गणेश चतुर्थी, और बने रहिए हमारे साथ भी। अभी टाइम हो रहा है 4:20 4:20 PM। शाम का वक्त होने ही वाला है, 4:30 हो चुके हैं ऑलरेडी एंड बप्पा की आरती होगी शाम में करीबन 6 बजे, 6:30 जो भी टाइम सही रहे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि निखिल को भी मैं इंक्लूड कर लूं शाम की आरती में, क्योंकि सुबह की पूजा में भी वो नहीं रह पाए ऑफिस की वजह से, तो मैं ट्राई करूंगी। शाम के भोग के लिए मैंने सोचा है कि कुछ मीठा बनाना है, तो मखाने की खीर बना रही हूं मैं, तो वो बप्पा को भोग चढ़ाएंगे। और चेंज इसीलिए कर लिया था क्योंकि लंच करना था, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसी में लंच करूं, फिर शाम को उसे वापस में पहन के फिर आरती कर लेंगे उसी में। सो मिलते हैं शाम को आपको बप्पा की आरती में, मैं जाती हूँ अभी भोग बनाने के लिए।